नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम बात करने वाले हैं कैंपिंग के टॉपिक के ऊपर। अगर आप कैंप करते हैं या कहीं राइड पे निकलते हैं और कैंपिंग सामान लेके चलते हैं, तो क्या आपको लेना जरूरी है और क्या क्या जरूरत आपकी कैंपिंग के दौरान पे रहती है। तो मेरे साथ हैं सैम पाजी। इस मामले में एक्सपर्ट माने जाते हैं कि क्या सामान कैंपिंग के दौरान पे चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अभी थोड़ी देर में सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैंपिंग में हमें क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती है। अगर आप बाइक पे टूरिंग करते हैं तो आपको मैं उसी के बारे में स्टफ बताऊंगा, क्योंकि कार में अगर हम टूरिंग करते हैं तब तो हम कितना भी लगेज यूज़ कर सकते हैं। बाइक में हमें लिमिटेड लगेज लोड करके चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनबैलेंस जगह भी आती हैं और बहुत जगह ऑफ रोड भी आती है। तो हमें कम से कम मिनिमम जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या आप इस राइड के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है टेंट की। टेंट आता है केचुआ का, ये है अर्पिंजा 2, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसमें आता है केचुआ में ही फ्रेश एंड ब्लैक करके वाइट कलर का टेंट होता है, आप उसको परचेज करें। बिकॉज उसकी जो नीचे और ऊपर की जो थिकनेस होती है वो काफ़ी मोटी होती है, और रात को अगर तेज़ बारिश पड़ती है तो आप उससे सेव हो जाएंगे। सेकेंड चीज़, टेंट लेते टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि नीचे का जो ये स्टफ़ है ये कपड़े का ना हो, ये हो आपका तिरपाल का भरा हुआ, ताकि नीचे से पानी आपके ऊपर ना आ सके। देन टेंट लगाने के बाद, इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्लीपिंग मैट की, जो योगा मैट के नेम से जाना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मोटा लें, आप इसे पतला ले सकते हैं। बिकॉज नीचे से जो, जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी से निकलते हैं हीट और नीचे होता है पानी, तो वो उसको सोक कर लेते हैं और हमारी पूरी बॉडी हो जाती है गीली। तो जब हम रात को सोते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है स्लीपिंग बैग की। तो स्लीपिंग बैग में आप कम से कम 5 डिग्री टेम्परेचर का लीजिए, उससे ना तो ऊपर का लीजिए ना नीचे। बिकॉज जब रात को हम रुकते हैं तो कहीं होती है सर्दी और कहीं होती है गर्मी, तो अगर ज़्यादा कम टेम्परेचर वाला अगर हम स्लीपिंग बैग यूज़ करेंगे तो हम उबल जाएंगे और हमसे सोया नहीं जाएगा। और कहीं अगर ज़्यादा ठंड हुई और ये टेम्परेचर डाउन जाएगा तो इसके अंदर लगेगी ठंड, तो इसके साथ में एक अलग से सेम ऐसी एक छोटी रजाई आती है जो बिल्कुल फोल्ड होकर छोटी हो जाती है, इसको ज़रूर एक्स्ट्रा कैरी करें। रीज़न ये है कि अगर जहाँ जा रहा है ठंड हुई तो उसको आप मिक्स करके सो सकते हैं, और अगर गर्मी हुई तो इसको आप अपना गद्दा बना के भी सो सकते हैं। देन उसके साथ में आप एक छोटी सी चादर, पतली चादर भी यूज़ कीजिए, कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म वाला एरिया है तो आप इसको ईजिली ओढ़ सकते हैं, ताकि मच्छर से आप बच सकें। ये तो हो गया हमारा टेंट का। अब मैं आपको ये तो हो गया हमारी टेंट का सारा, जो सोने का और अपना लगाने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो साथ में आप, तो सबसे पहले आप एक ये थर्मोस्टील की एक बोतल आती है, जो आपको 24 घंटे के लिए आपका पानी चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, तो 24 घंटे एक ही सिचुएशन में रखती है, तो एक आप ये ज़रूर कैरी करें। देन उसके बाद ये पेट्रोल की बोतल है, आप इसको ज़रूर कैरी करें, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों कैरी करना है इसको, पेट्रोल को। ये है पानी की बोतल, आपको पता है पानी ज़रूरत है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कैरी कर सकते हैं, जैसे आपके पास कैरी करने का ऑप्शन है। और उसके बाद फिर हमें चाहिए होते हैं मसाले, तो मसाले होते हैं हल्दी, धनिया, मिर्च, तो ये हो गया धनिया पाउडर, ये हो गया आपका नमक, इसके अंदर ये हो गया चिली पाउडर, ये हल्दी हो गई। मैं 2 स्टफ़ में शुगर कैरी कर रहा हूँ, एक में कॉफ़ी हो गया, एक में मिल्क पाउडर हो गया, तो ये मेरे छोटे से टिफ़िन बॉक्स में आ जाते हैं 4-4 करके, तो ये छोटा सा पैकेट बन जाता है। फिर इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है किचन कुकिंग सेट की, जिसमें हमें सही होता है गैस चूल्हा। तो गैस चूल्हा मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, ये हैंस कंपनी का है, इसके अंदर ये ऐसा सिलेंडर लगता है जिसको हम लोग इजीली इसको ऐसे करके और इसको घुमाते हैं, तो लाइटर भी इनबिल्ट है, गैस चालू हो जाती है। ध्यान रखिए इस लॉक को आप अनलॉक कर दें जब भी यूज़ करें, ये आपको 2500 का पड़ता है अमेजोन से, इससे छोटे छोटे भी ऑप्शन में आते हैं, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो क्या गैस चूल्हे में ऑप्शन आते हैं, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, आप चाहे तो छोटा भी लेके चल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास लोड करने की कैपेसिटी कम है, मेरे पास अच्छी कैपेसिटी है इसलिए मैं बड़ा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे कुकिंग कर लेता हूँ। देन हमें बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले ये है बर्फ़ जमाने वाले बर्तन। अगर आप इसे नॉर्मल वाली शॉप पे देंगे तो आपको 50-60 रुपीज़ का ईच पड़ जाएगा, अगर आप अमेजोन पर ऑर्डर करते हो तो वहाँ आपको 1300 के अराउंड ही पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे आप 4 यूज़ करें सेम साइज़ के, और 2 आप इससे बड़े साइज़ के लेके ज़रूर कैरी करें। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है छोटी सी कढ़ाई की, जैसे हम चिकन बनाते हैं
एक फ्राइंग पैन की ऑमलेट वगैरह और दाल वगैरह में तड़का लगाने के लिए, देन हमें एक ग्लास, और एक हमें ज़रूरत पड़ती है कॉफ़ी मग की जिसमें हम कॉफ़ी बनाएं और हम आराम से पी सकें। फिर देन हमें ज़रूरत पड़ती है कितने बड़े चाकू की जो हमारी प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काट सकता है, चाहे तो हम छोटा यूज़ कर सकते हैं, बट इसके बारे में भी आपको एंड में बताने वाला हूँ कि मैं इतना बड़ा चाकू क्यों कैरी करता हूँ। फिर उसके बाद सुबह ऑमलेट बनाने तो एग चाहिए होते हैं, एग हर जगह मिलते नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी एग ट्रे आती है, ये एग ट्रे कैरी करते हैं, उसके अंदर 6 एग आ जाते हैं और उसको इजीली हम कैरी कर सकते हैं, और ये आराम से कहीं भी किसी भी बैग में रख के आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जो टूटेंगे नहीं फूटेंगे नहीं और आपके एग सेफ रहेंगे। देन उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है चम्मच की, कब आपको पार्टनर मिल जाए तो कब आपको ज़रूरत पड़ जाए काफ़ी सारी, मैं कम से कम 6-5 चम्मच यूज़ करता हूँ। और सेम हो गया आपका फोक मैगी वगैरह नूडल वगैरह खाने के लिए। देन ये छोटी सी छन्नी है जो मेरे इस वाले मग के साथ में आई थी, जैसे चाय वगैरह पीनी होती तो मैं इसके अंदर लगा के चाय को आराम से छान सकता हूँ, और ये छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर ये सारी छोटी चम्मच वगैरह इसके अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी कैंपिंग एसेसरीज की। अब हम रात को सोते हैं, सुबह हमें जाना होता है वॉशरूम, अब हम नेचर में आ रहे हैं, नेचर में आके खुले में हम करेंगे तो हम नेचर को ही गंदा करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिया है वॉशरूम टेंट। ये पॉपअप टेंट के नाम से बहुत ही फेमस है, आप इसे ले सकते हो, अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। देन इसके बाद मैंने लिया है ये एक शीट। देन उसके बाद मैंने लिया ये सीट जो आपको वॉशरूम में आप देख के समझ ही गए होंगे, इसको मैंने अमेजोन से ही परचेज किया था, बट इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी थी तो इसको मैंने फिर कस्टमाइज़ किया अकॉर्डिंग टू बाइक। अगर आप कार में जाते हो तो आपको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाइक पे जाना तो आपको उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, एक गार्बेज बैग लगा के इसे यूज़ कर लेता, फिर उस गार्बेज बैग को बोल करके इजीली डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं हम इजीली, और नेचर भी गंदा नहीं होगा, आराम से आप कैंपिंग भी कर लेंगे और आप फ्रेश भी हो जाएंगे। तो ये तो होगी सारी कैंपिंग वॉशरूम की चीज़ें। अब आती है अंधेरे की बात कि अंधेरे में हम कैसे हम सर्वाइव करते हैं, तो आपको बताऊँगा। एक ये टॉर्च आती है सोलर से चार्ज होती है धूप से ही, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। एक आप ऐसी टॉर्च यूज़ करें, एक आप नॉर्मल वाली टॉर्च यूज़ करें जो थ्रो जाता है, जिसको काफ़ी लंबा जाता है, नॉर्मली सबको पता है, एक वो टॉर्च ज़रूर कैरी करें। साथ में मैं आपको बताऊँगा कि ये है हमारा ट्राईपॉड स्टैंड जो पूरे दिन हमारी शूट करता है, उसके बाद हमें रात में काम आता है। इस तरीके के आप कम से कम 2 बल्ब कैरी करें जो होते हैं USB केबल वाले, जो आप आराम से अपने किसी भी मोबाइल चार्जर में या फिर पावर बैंक में आप लगा के चालू कर सकते हैं, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी LED है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप 2 कैरी करें, एक ये वाली टॉर्च कैरी करें, एक लंबी थ्रो वाली यूज़ करें, ताकि आप लेफ्ट राइट में लगा लें, काफ़ी उजाला हो जाए और आपको रात को डर भी नहीं लगेगा अकेले में, और आपके पास लाइट का पूरा ऑप्शन रहेगा। मैंने आपको बताया था पेट्रोल और चाकू के लिए, इसको मैं एंड में बताऊंगा। उसका रीज़न ये है कि पेट्रोल हमें ज़रूरत पड़ता है आग लगाने के लिए। हम जब रात को कैंपिंग करते तो जंगलों के बीच में कर लेते हैं, अब जंगल के बीच में कैंपिंग करने का कुछ नहीं पता कि कौन सा जानवर कहां से कैसे अटैक कर दे, तो आपको क्या करना है, एक लंबी सी डंडी लेनी है, उसके आगे आपको कपड़ा लपेट के रखना है और पेट्रोल साथ में रखना है। इनकेस आपको लगता है कोई हरकत है तो पेट्रोल में भिगा के आप उसे आग लगा के अपने आप को सेव कर सकते हैं। देन सेम कंडीशन ये चाकू, जो आप समझ ही गए होंगे चाकू हमें किस तरीके से सेव करेगा, हम आई तरफ में आग की लकड़ी को पकड़ के कर सकते हैं, ले सकते हैं चाकू। चाकू को हमेशा ऐसे पकड़े, ऐसे बिल्कुल ना पकड़े, बिकॉज अगर कोई भी लेपर्ड वगैरह आ गया तो एक पंजा मारेगा तो चाकू या ऐसे गिर जाएगा और आप उसके शिकार हो जाओगे। तो चाकू को पकड़ना है ऐसे और लकड़ी को पकड़ना है ऐसे, और फिर उसके साथ आपको करनी है फाइट। खैर मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर आप गलत जगह कैंपिंग कर लेंगे तो तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमेशा कैंपिंग करें गांव के साथ में, अकेले में कहीं भी कैंप ना करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बताइए कुछ अपनी बाइक के बारे में कि ये सारा सामान कैरी कैसे होता है। आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ आपको भाई। भाई कितना टाइम लगेगा? भाई होने वाला है। ये मैंने टॉप बॉक्स लगाया हुआ है अपनी बाइक में, इसमें मेरा गैस चूल्हा सारा किचन का सेट आ जाता है। ये है मेरे पैनियर्स जो रॉयल एनफील्ड के ही हैं, इसमें आपके सारे जो मेरे स्लीपिंग बैग और मेरे कपड़े ये सारे इसमें किसके अंदर आ जाते हैं। देन उसके बाद ये मैंने जो बैग लिया ये है ब्लैक पर्पल कंपनी के, इसके अंदर सारे जितने भी रेडी टू यूज़ और चिप्स वगैरह के पैकेट ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, जो मैं इजीली कैरी कर लेता हूँ। साथ में आगे मैंने ये एम्पाउचर लगाए हुए हैं जिसके अंदर मेरे पेट्रोल के जेरी कैंस आ जाते हैं और एक तरफ वाटर की बॉटल्स आ जाती है, तो ये सारा स्टफ
इन सारी चीज़ में पैक हो जाता है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए, आपको प्रॉपर व्लॉग्स देखने, तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। मोनू भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे कैंपिंग करनी है, कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, और आपका भाई आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मोनू सागर भैया से बात करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरे चैनल में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।